again. So let's go. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो. वापस से मैं आ गया. तो जैसे कि अपन ने पिछले ब्लॉग में बोला था कि अब से वीडियो कंटिन्यू आएंगी, कुछ खास नहीं जो आएगा वो, पर आ रहा है अभी. तो आज सुबह उठने के बाद मेरे को सबसे पहले कॉल आया डिलीवरी वाले का कि भैया आपका पार्सल आ गया है. पार्सल में था ये है स्टीम आयरन. तो नॉर्मल आयरन से अपन हो गए थे बोर. तो बहुत ज़्यादा ज़िद वगैरह करने के बाद अपन ने घर पे ज़िद की और बोला कि मेरे को आयरन मंगानी है तो मंगा ली. मंगाने के बाद इसको अनबॉक्स करते हैं, तुम भी देखो मैं भी देखता हूँ क्या क्या आता है इसमें. तो वैसे तो खुलने के बाद इसमें आया एक स्टीम आयरन, उसके दो हेड्स, दो ग्लव्स और एक वारंटी कार्ड. ज़्यादा कुछ और इससे ज़्यादा आया है नहीं. तो ये तुम देखो आ रहा है इसमें. और उसके बाद जब मैंने खोल के देखा तो सबसे मेन चीज़ ये आयरन. तो ये कुछ ऐसा है. तो डिज़ाइन तो इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा, मतलब हेयर ड्रायर के जैसा ही है कि तुम लो इसमें बटन दबाओ और इसमें से स्टीम निकलेंगी. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसी मैंने खोला इसको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये भैया नॉर्मल प्लग से बहुत ज़्यादा बड़ा है. मतलब हमारे ज़्यादातर स्विचेस में है ही नहीं इतना बड़ा प्लग. तो अब इसके लिए 3 पिन लाने पड़ेंगे. तो अब सबसे बड़ा स्ट्रगल वो है. तो ये हमारा नॉर्मल प्लग और ये हमारा ये आयरन का प्लग. तो इससे ये डबल ट्रिबल है तो इसमें घुस ही नहीं रहा है. तो सबसे पहले इसके लिए लानी पड़ेगी एक 3 पिन. 3 पिन लाने के लिए जाना पड़ेगा फिर उसके बाद, या फिर घर पे गई देखना पड़ेगा कि कहाँ ये सबसे सही जाता है. तो घर के अलग अलग प्लग ढूंढने के बाद, जैसे कि ये यहाँ पे मेरे रूम में तो नहीं हो रहा हो, तो यहाँ पे ढूंढ के अलग अलग जगह में मेरे को एक प्लग मिल गया है. ये हमारा मेन स्विच है, यहाँ पे ये लग गया है आराम से. तो चलो अब, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे फुल पर्दे वगैरह हैं. तो अब यहाँ पे कैसे मैं आयरन करूँगा, इसको चाहिए फ्लैट सरफेस. तो देखते हैं, अभी ट्राई तो करके देखता हूँ तुमको दिखाने के लिए. ये मैंने लगा लिया है, अब ये ब्लिंक हो रही है, चालू हो रही है. तो अब देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है. ओके, तुमको दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं, बट ये देखो मेन दिक्कत यही है कि इसको, मतलब मैं आयरन करूँ कहाँ पे, क्योंकि इसको चाहिए फ्लैट सरफेस और मैं लटकाऊँ कहाँ पे. तो ये एक मेन दिक्कत है. तो अगर इसको अच्छे से यूज़ करना है तो इसका पूरा सेटअप करना पड़ेगा, मतलब एक अच्छा सा हैंगर पॉइंट, पीछे फ्लैट सरफेस, तब जाके फिर मैं ट्राई करता हूँ एक कपड़ा आयरन करने के लिए. तो मैंने बहुत सारे, मतलब सबसे पुराने टी शर्ट निकाली है इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा झुल लिया है. तो इस पर अच्छे से देख सकते हैं अपन कि कैसा चल रहा है ये. तो चलो ट्राई करते हैं. ये आ गई अपनी आयरन. तो चलो ट्राई करते हैं. तो फ़र्क तो है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने, मतलब इतना किया है और इतना पार्ट छोड़ दिया है. तो फ़र्क तो है, तो अच्छी खासी आयरन हो रही है. बट दिक्कत यह है कि ये अपन नॉर्मल आयरन से भी कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल आयरन में काफ़ी ज़्यादा. पर इसमें एक दिक्कत और है. Thank you.
ये देखो, ये हुई तो अच्छी है काफ़ी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और पीछे से देखे तो मतलब ये कपड़े के यूज़ में इसका पूरा पानी मतलब खाली हो चुका है। डिज़ाइन तो ठीक ठाक है इसका। तो अब आते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन पे कि क्या चीज़ है, कैसी है और ये वर्थ इट भी है या नहीं है। नहीं तो देखो, डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब एक हेयर ड्रायर जैसे हम यूज़ करते हैं वैसा है, और यहाँ पे लॉक है कंटिन्यूस, अगर तुमको चाहिए ऊपर कर दो तो वापस खुल जाएगा। बट इसके कॉन्स भी है, जैसे कि सबसे पहले इसका ये जो प्लग है, प्लग काफ़ी बड़ा है इसका, तो मतलब नॉर्मल तो कहीं जाना ही नहीं है, मतलब इसके लिए अलग से एक थ्री पिन लेनी पड़ेगी, फिर उसको लगाना पड़ेगा, फिर इसको, और वायर भी मतलब बस इतना ही है, एक मीटर का है तो वायर भी छोटा है इसका यार काफ़ी। और जब मैंने इसको लगाया 40 सेकंड में चालू हो गया, ओके वेरी गुड। पर इसको शुरू करने के बाद इसके जो ये हेड है, हेड के पास बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो मतलब मैं यहाँ ये अगर मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ और यहाँ पर मेरा हाथ लग रहा है तो ये मेरे को चटके दे रहा है, तो एक तो ये चटके दे रहा है ठीक है। और यूज़ करने में काफ़ी मतलब अगर तुम्हारा हाथ मतलब यहाँ कपड़ा है और यहाँ पे हाथ है तो तुमको बहुत ज़्यादा चटके बैठने हैं, तो अगर तुम पहली बार यूज़ कर रहे हो तो कंफर्म तुमको चटके बैठने हैं, तुम्हारे हाथ जलने वाले हैं। और जब अपन कपड़ा आयरन कर रहे हैं तो ये ठीक है, जो बीच का हमारा ये सेक्शन है ये आयरन हो जाएगा, बट कॉलर जो है वो आयरन नहीं होगा, उसको करोगी कैसे, तुम कहाँ आयरन डालोगे उसको, तो वो एक दिक्कत है। और फिर बाद में दिक्कत ये है कि तुम इसको जो तुम इसको लटकाओगे का कपड़े को कहाँ लटकाओगे, इसको यूज़ कैसे करोगे, तो तुमको पहले एक अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पीछे फ्लैट सरफेस हो, तुम्हारा हैंगर सही से लगे, तुम्हारे कपड़े सही से टंगे और तुम उसको पकड़ के अच्छे से मतलब आयरन करो, तब जाके तुम सही से ये कर सकते हो। तो जो तुम सोच रहे होंगे कि ये ईजी है बहुत ज़्यादा, तो मतलब नॉर्मल आयरन को मतलब रख के टेबल रख के उसको आयरन नहीं करना होता, इसको बस लटका दो कर लो, नहीं वैसा कुछ नहीं है, इसको भी उतना ही तामझाम है। और यही है कि है दिक्कत तो भाई किसमें नहीं होती, इसमें भी है। और मैंने बस एक कपड़ा किया अच्छे से और इसका पानी ख़त्म हो गया जैसा मैंने तुमको दिखाया, तो वही बार बार रिफिल भी करना होता है। तो यही है कि उतना ज़्यादा प्रोफेशनल रिजल्ट तुमको नहीं देने वाला, बीच बीच में यहाँ पे स्लीव्स वगैरह में तुमको अच्छी चीज़ें मतलब अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, बट जहाँ कॉलर की बात आ गई ये आ गया तो इसमें तुमको दिक्कत जाने वाली है। तो वही है, अगर लेना है तो देखो, मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को उतनी कुछ खास नहीं लगी, नॉर्मल आयरन से भी वही काम हो रहा है, इससे भी वही काम हो रहा है, नॉर्मल आयरन से एक्चुअली जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तुमको बार बार ऐसे करते रहो तो उसमें टाइम लगने वाला है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा इसको। हाँ, अमेज़ोन से ले रहे हो तो ये रिटर्नेबल नहीं है, तो इसको सोच समझ के लो अगर लेना है तो। मैं तो अब रिटर्न नहीं कर सकता इसको, तो बेस्ट ऑफ लक टू यू, ये था मेरा रिव्यू इसके लिए, बस खत्म, थैंक यू।